स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, वी आर डूइंग 7th चैप्टर नेशनल इनकम. टुडे वी आर ऑन पेज नंबर 66. स्टूडेंट्स, हमने देखा पिछले लेक्चर्स में मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तीन मेथड्स हैं, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और तीसरा नाम इसका बताइए, इन्वेंट्री मेथड. दैट मींस आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड. इनकम मेथड का दूसरा नाम है, फैक्टर कॉस्ट मेथड. और जो थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड, इसका हम देखेंगे दूसरा नाम है लेआउट मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड का ही दूसरा नाम है, ठीक है. तो हमारे पास तीन मेथड है ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कितना है आपके देश की, वो मापने के लिए तीन मेथड है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. मेनली ये नाम कैसे पड़े हैं वो बताने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था. आप जब भी किसी का इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपके देश में कितना सामान और कितना सेवा प्रोड्यूस हो रहा है उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है. तो मान लीजिए आपके देश में सामान बना, किसी ने उसे बेचा और किसी ने उसे खरीदा, तो प्रोडक्ट कितने का बना, 8000 का. किसी ने सेल करके इनकम कितना बनाया, 8000, और किसी ने परचेस करके एक्सपेंडिचर कितना किया, 8000. तो यहां पर आप देख रहे हैं जितने का आउटपुट था उतना ही किसी ने इनकम कमाया है और उतना ही किसी ने एक्सपेंडिचर किया है. सो स्टूडेंट्स, हमें फाइनली पता चल रहा है कि जितना आउटपुट होगा उतना ही इनकम होगा, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा. मींस आउटपुट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. तो इन केस ऑफ कंट्री हम बोलेंगे नेशनल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. तो इन्हीं तीन के वजह से तीन मेथड बनाए गए, फर्स्ट आउटपुट मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बता दिया गया था. अगर आउटपुट मेथड आप देखते हैं तो आउटपुट मेथड के अंदर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखेंगे, कौन सा, फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट. जैसे फ्रिज बिल्कुल फाइनल है, तैयार है. कंप्यूटर या टेलीविजन बिल्कुल तैयार है. सर्विसेज में डॉक्टर की सर्विस या फिर टीचर की सर्विस, ये सब प्लस करेंगे तो आप आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा. और अगर आप इनकम से देख रहे हैं तो हर एक की इनकम कितनी है. इनकम आप कहां कहां से लेते हैं, आप प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट ऑफिस में बैठकर प्रॉफिट. अपने जमीन के लिए रेंट कमाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल कमाते हैं, और अगर कहीं लेबर वर्क कर रहे हैं तो आप वेज कमाते हैं. दैट मींस प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड वेज, ये चारों मिलाकर अगर आप देख रहे हैं, मतलब आप इनकम साइड से देख रहे हैं, तो इसे इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कहा जाएगा. एक्सपेंडिचर मेथड में देखा जाता है कि आपने एक्सपेंसेस कितना किया. दैट मींस आप ज्वेलरी पर खर्च कर रहे हैं, आप शूटिंग शर्टिंग पर खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और आप फूड कोर्ट में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. तो आपका एक्सपेंडिचर साइड से अगर प्लस किया जाए और नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाए तो उसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे. चलिए आज न्यू टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग. कौन सा मेथड आज लेंगे बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड. सो वी आर गोइंग टू टेक टुडे एक्सपेंडिचर मेथड. सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट टुडे ऑन एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग समझेंगे हम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला. तो बहुत ही ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए सारे एग्जाम्पल्स अरेंज किए गए हैं विथ फोटोग्राफ. तो लिसन हियर,
दिस मैथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज आउटले मैथड. तो मैंने कहा स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मैथड का ही दूसरा नाम है आउटले मैथड. तो इसे हाईलाइट किया जाए, आउटले मैथड को हाईलाइट किया जाए. तो एक्सपेंडिचर मैथड का ही सेकेंड नेम है आउटले मैथड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैथड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी. यहां पे स्टूडेंट्स, सोसाइटी मीन्स वॉट? यहां पर सोसाइटी मीन्स योर कंट्री. यहां पर सोसाइटी मीन्स योर कंट्री, मतलब आपका देश कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कब? इन अ पर्टिकुलर ईयर. इन अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर ईयर मीन्स स्टूडेंट्स ओनली वन ईयर. ओनली वन ईयर का आप चेक करेंगे कि एक साल के अंदर आपका कंट्री कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर. ठीक है, और उन सभी एक्सपेंडिचर्स को आप ऐड करेंगे, एडेड टुगेदर ऐड करेंगे, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम. तो मैं फिर से बता दूं, यहां पर सोसाइटी मीन्स कंट्री, पर्टिकुलर ईयर मतलब वन ईयर का कैलकुलेशन देखा जाएगा. किस चीज का कैलकुलेशन आप ऐड करोगे, किसे? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी आपके देश में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो सारे खर्चों को आप प्लस करोगे तो उसे क्या कहा जाएगा, नेशनल इनकम. इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता दूं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है. कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो हम खरीद कर तुरंत यूज करने लगे या फिर खत्म कर दें उसे यूज करके. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है कि हम लेते ही खुद के लिए उसका यूज करने लगेंगे, कोई दूसरी चीज उससे नहीं बनाएंगे. जैसे आपने स्वीट मतलब मिठाई लिया, अब मिठाई अगर आपने परचेज किया, दैट मीन्स काजू कतरी मान लीजिए आपने परचेज किया, तो आप क्या करेंगे, आप उसे कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते उससे. तो जो चीज लेकर तुरंत यूज किया जाए या संभोग किया जाए उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, अच्छा, कंज्यूमर गुड्स हम यहां पर हेडिंग बना लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स. इस पर बाद में फिर से डिस्कस होगा, इसलिए साइड में लिखा गया कंज्यूमर गुड्स. और ऑन कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के अपोजिट में क्या होता है, कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता. पहले वो कैपिटल गुड्स कुछ बना कर देंगे, उनके द्वारा जो चीज बनेगा वो चीज अल्टीमेट कंज्यूमर यूज करेगा. जैसे मशीन हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया. तो फर्नीचर, प्लांट, मशीन जो बिजनेस में लगे होते हैं वो डायरेक्ट यूज नहीं किए जा सकते, वो कुछ बनाकर देते हैं, मशीनें कुछ बनाकर देती हैं, तो बने हुए चीज को अल्टीमेट कंज्यूमर यूज करता है. तो एक मुद्दा हमारे पास कैपिटल गुड्स है, इसे भी साइड में मुद्दा बनाया जाए, इस पर डिस्कस होगा अभी. तो आपने देखा जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या तो कैपिटल गुड्स हो सकता है. कंज्यूमर गुड्स हाउस होल्ड वाले परचेज करते हैं, याद रखिए कंज्यूमर गुड्स हाउस होल्ड वाले परचेज करते हैं, और कैपिटल गुड्स फैक्ट्री कंपनी वाले लोग परचेज करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. दस वी कैन गेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप. समिंग अप, समिंग अप मीन्स वॉट स्टूडेंट्स? समिंग अप मीन्स टोटल. एड, सम मतलब क्या होता है, टोटल. आप एड बोलिए या समिंग अप बोलिए, उसका मतलब क्या होता है, टोटल. तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे. टोटल मतलब प्लस करेंगे किसका, ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड आया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो आपको कहा गया कि हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पर किया जाता है, कंज्यूमर गुड्स पर. तो इसे साइड में लिया जाए, कंजम्पशन गुड्स पर क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंज्यूमर गुड्स पर होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और ये कौन करता है,
अभी दूसरा देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? कंपनी, फॉर्म, ठीक है, जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड पर क्या होता है? हाउस होल्ड वाले कंज्यूम करते हैं, और जो कंपनीज है, फॉर्म है, वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड वाले कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और फर्म वाले कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस चीजों पर किया जाता है? कैपिटल गुड्स पर। तो कैपिटल गुड्स पर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हो। ये स्टूडेंट्स डिटेल में जरा डीपली आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा डीपली ध्यान में रखिए। कंज्यूमर गुड्स पर कौन खर्चा करता है? हाउस होल्ड। कंज्यूमर गुड्स पर हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उसे कौन सा खर्चा कहा जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड्स पे कौन खर्च करता है? फर्म एंड कंपनीज। तो फर्म एंड कंपनीज जो कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करते हैं उसे कौन सा एक्सपेंडिचर कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए इसके बाद में ये दो का दोनों एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल्स भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करता है, इंडिविजुअल्स भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करते हैं, मतलब कोई प्राइवेट भी कर सकता है और गवर्नमेंट भी कर सकता है। किस पर? कंज्यूमर गुड्स पर और कैपिटल गुड्स पर खर्चा। हाउस होल्ड वाले कंज्यूमर गुड्स पर कर रहे हैं प्राइवेटली, फर्म वाले कैपिटल गुड्स पे कर रहे हैं प्राइवेटली, और गवर्नमेंट इन दोनों टाइप की चीजों पर खर्चा करता है। गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्च करता है और कैपिटल गुड्स पर भी। कैसे? अभी देखिए, गवर्नमेंट जो है राइस एंड व्हीट परचेज करता है, गवर्नमेंट परचेज करके राशन दुकान पर लोगों को सब्सिडीज में या फ्री में बांटने के लिए कंज्यूमर गुड्स राइस एंड व्हीट परचेज करता है। तो कंज्यूमर गुड्स गवर्नमेंट परचेज कर रहा है, और साथ में गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज गवर्नमेंट ने क्या है ओपन करके रखा है, जैसे एयरलाइंस हो गया, आपका वाटर सप्लाई हो गया, आपके जो आर्मी कैनन्स मिसाइल्स ये सब है, ये क्या है? कैपिटल गुड्स है। तो गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स पर भी एक्सपेंडिचर करता है और कंज्यूमर गुड्स पर भी एक्सपेंडिचर करता है। तो दोनों चीज जो है वो इंडिविजुअल्स भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करते हैं। तो दिखाया जाए, इंडिविजुअल्स भी खर्च करते हैं दोनों पर और गवर्नमेंट भी खर्च करता है दोनों पर। दैट मीन्स कंज्यूमर गुड्स पर इंडिविजुअल्स भी खर्चा करते हैं और गवर्नमेंट भी खर्चा करता है। सिमिलरली कैपिटल गुड्स पर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंडिविजुअल्स भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करता है। आपको पता है फॉर्म में बहुत सारी मशीनें हैं, प्राइवेट फॉर्म्स में बहुत सारी, प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारे मशीन्स लगे हैं, प्लांट लगे हुए हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट की संस्थाओं में भी बहुत सारे मशीन और प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स वी रीच्ड ऑन द फाइनल फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला पर पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स। फॉर्मूला जो है वो कैसे बनेगा आप ध्यान दीजिए। 10 नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब ही नेशनल इनकम होता है स्टूडेंट्स। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को शॉर्ट में कहा जाएगा जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को शॉर्ट में कहा जाएगा जीएनपी, और जीएनपी होता है नेशनल इनकम का फर्स्ट स्टेप। तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम किन लोगों को प्लस करेंगे ध्यान दीजिए। सी, सी का फुल फॉर्म सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, इनका फुल फॉर्म मैं बताता हूं। पहले ये फॉर्मूला जरा दिमाग में बिठाइए। फॉर्मूला है नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तो इसके अंदर काफी लोगों का आप फॉर्मूला मींस फुल फॉर्म पहले से ही जानते हो, बाकी लोगों का मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लीजिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। अब चलिए इनका फुल फॉर्म डिटेल में देखा जाए। फुल फॉर्म डिटेल में देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने याद कर लिया है, अब इनका फुल फॉर्म देखा जाए। स्टूडेंट्स ये सोचने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है इसके फुल फॉर्म का। फुल फॉर्म्स जो है इनके
वो देखते हैं। जीएनपी जो नेशनल इनकम है वो फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला देखा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, जहां पर सी मतलब होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड वाले जितना एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, हाउस होल्ड वाले जितना एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, क्योंकि वो लेकर उसे कंज्यूम करते हैं ना, और कंज्यूम मतलब कंज्यूमर गुड्स पर जो खर्चा किया जाए उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये प्राइवेट मतलब खुद के लिए किया जाता है, खुद के लिए। जैसे आप बिस्किट खरीदोगे तो खुद खाओगे ना, मतलब प्राइवेट। आप वॉशिंग मशीन परचेज करोगे तो वॉशिंग मशीन खुद यूज करोगे, मतलब प्राइवेट। और फाइनल, ग्राहक कभी भी फाइनल चीज परचेज करता है, ग्राहक कभी भी फाइनल कमोडिटी परचेज करता है, दैट मींस आप उसे परचेज करके तुरंत खाना पीना शुरू कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया यहां पर कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे गुड्स जो लोग परचेज करते हैं प्राइवेट मतलब खुद के लिए, फाइनल मतलब आगे उसका कुछ नहीं करना है। जैसे आपने केक खरीदा तो आगे उसका कुछ नहीं बना सकते, डायरेक्ट आपको खाना है, मतलब वो फाइनल है। और कंजम्पशन मतलब क्या, यूज करना। तो कंज्यूमर कभी भी फाइनल गुड्स को परचेस करके खुद क्या करता है, यूज करता है। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पर जो आप खर्च करोगे उसे कहेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेस पर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी मतलब हो गया आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई मीन्स व्हाट, आई मीन्स स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाम स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा आपने याद ही नहीं किया अच्छे से। तो आय का जरा बरोबर परफेक्ट ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म्स। फर्म्स इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, खुद कमाने के लिए। तो इसमें भी क्या रहेगा, प्राइवेट, इसमें भी क्या रहेगा, प्राइवेट। और ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन बाद में लेस करते हैं ना, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें मशीन का डेप्रिसिएशन बाद में लेस किया जाता है, तो पहले तो वो ग्रॉस ही होगा। तो कोई भी फर्म अगर मशीन लगा रहा है अपने बिजनेस में तो पहले ग्रॉस प्राइस लिखेगा। और डोमेस्टिक मतलब अपने देश में रहते हुए, अपने देश का इसके अंदर रिकॉर्डिंग होगा, बाहर देश का बाद में मुद्दा आएगा, पहले ये अपने देश के अंदर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बताइए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है यहाँ पर, फर्म्स, कंपनीज, ठीक है। किन चीजों पर, जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या लिखा जाएगा, ग्रॉस, क्योंकि नेट बनाने के लिए फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं फाइनली एंड में हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करके ग्रॉस को नेट बनाते हैं, तो पहले क्या लिखा जाएगा, ग्रॉस, ठीक है। तो आय का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट जी। जी का जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जो है वो दोनों चीजों पे खर्च करता है, कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पर भी और इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर भी। गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन मतलब आपको बताया गया, गवर्नमेंट राइस एंड व्हीट परचेस करता है, मतलब कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, वाटर सप्लाई के लिए, रोड बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें रखता है गवर्नमेंट, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। तो गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों एक्सपेंडिचर करता है। तो जी मतलब हुआ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्स माइनस एम, ये आप पहले से ही जानते हैं, एक्स माइनस एम को नेट एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पर अगर आपको प्लस में आंसर मिल रहा है तो नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पर आपको निगेटिव आंसर मिल रहा है, माइनस आंसर मिल रहा है, तो ये नेशनल इनकम में माइनस किया जाएगा, ठीक है, लेस किया जाएगा। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट माइनस पेमेंट को हम पढ़ेंगे नेट रिसिप्ट्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए मतलब इसका पता होना चाहिए। आर माइनस पी को पढ़ा जाता है नेट रिसिप्ट्स।
नेट रिसिप्ट्स मतलब होता है रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। तो रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स मतलब होता है कि हम बाहर देश जाकर कुछ कमा कर आते हैं, या फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं तो हम उनसे कुछ कमाते हैं। इसके उलट, इसके अपोजिट में हम बाहर जाकर खर्चे करते हैं, हम बाहर जाकर खर्चे करते हैं या उनकी सर्विसेज परचेज करते हैं तो हमारा क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। या फिर वो लोग आकर हमारे देश से कमाते हैं, हम पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट है। तो हम कुछ फॉरेनर से कमाते हैं और कुछ फॉरेनर्स को हम पेमेंट करते हैं। तो जो हमने कमाया वो रिसिप्ट है, जो हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट्स है। तो रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो फॉरेनर गुड्स एंड सर्विसेज और इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चे होंगे उसे चेक किया जाएगा। हमने अगर पैसे प्राप्त किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज से हमने रिसिप्ट किया है तो उसे रिसिप्ट कहा जाएगा, और हमने फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर पेमेंट किया है तो उसे पेमेंट कहा जाएगा। तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट, अगर ये भी पॉजिटिव आया तो नेशनल इनकम में प्लस होगा, और अगर निगेटिव आया तो नेशनल इनकम में माइनस होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने शॉर्ट में हेडिंग समझाया। अब टेक्स्ट बुक में जो वर्डिंग लिखी है इन सभी हेडिंग्स के लिए उसे वन बाय वन लिया जाए। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जो है सी, सी को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक से। सी मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो किन चीजों पर होगा। जैसे इस रूम में आपको दिख रहा है सोफा सेट है, टीवी है, और भी अरेंजमेंट्स हैं। तो जो फाइनल फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये घरेलू चीजें जो है, हाउस होल्ड चीजें हैं, इन पर जो एक्सपेंडिचर होगा उसे हम कहेंगे सी। सी मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब टेक्सुअल वर्डिंग देखा जाए, टेक्स्ट बुक में लिखा है स्टूडेंट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी बाय हाउस होल्ड्स। क्या लिखा, हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर हाउस होल्ड वाले ही खर्चा करते हैं। हाउस होल्ड मतलब घरेलू लोग जो घरों में रहते हैं, कंपनी या फर्म वाले नहीं, ठीक है। तो हाउस होल्ड ऑन ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज, तो जो घरेलू लोग हैं वो दो टाइप के चीजों पर खर्चा करते हैं, एक नॉन ड्यूरेबल और एक ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल को आप पेरिशेबल भी बोल सकते हैं, यहां पर वर्ड यूज किया है इन लोगों ने नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। तो नॉन ड्यूरेबल मतलब जो जल्द से जल्द क्या है, खराब हो जाए, एक दिन या दो दिन चले उसके बाद में खत्म हो जाए। तो जैसे देखिए यहां पर लिखा गया है नॉन ड्यूरेबल सच एज फूड, मतलब खाना। अगर आपने खाना परचेज किया, होटल से मंगवाया, तो आप तुरंत उसे खाकर क्या है, खत्म करते हो, इमीडिएटली खत्म करते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन ड्यूरेबल। क्या कहेंगे हम, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स सच एज कार, कंप्यूटर, टेलीविजन। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको बताया मैंने नॉन ड्यूरेबल। तो स्टूडेंट्स नॉन ड्यूरेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे अंडरलाइन किया गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। स्टूडेंट्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स का आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, बताइए नॉन ड्यूरेबल का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं। फूड आया तो आपको तुरंत खाकर खत्म करना है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा, पेरिशेबल होता है। तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है फूड। या फिर आप ले सकते हैं कि ड्रेस मटेरियल, जो ड्रेस मटेरियल होता है उसे भी आपको तुरंत यूज करना चालू करना होता है, और जो लंबे समय के लिए होता है उसे ड्यूरेबल कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट मैंने लिया ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है स्टूडेंट, जो साल भर से ज्यादा चल जाए, जो एक साल से ज्यादा चले उसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, कार। तो देखिए कार, ये कार जो है ड्यूरेबल है क्योंकि एक साल से ज्यादा चलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है इन लोगों ने कंप्यूटर। कंप्यूटर जो आपको दिख रहा है वो भी ड्यूरेबल है, एक साल से ज्यादा चलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेलीविजन। टेलीविजन आप लेते हैं तो ये भी एक साल से ज्यादा चलेगा। इसके बाद में वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, तो वॉशिंग मशीन भी एक साल से ज्यादा चलेगा। तो ये आपके क्या है, ड्यूरेबल है, जो एक साल से ज्यादा चले, और नॉन ड्यूरेबल पहले बताया गया वो क्या होते हैं, जो एक साल से कम चले, ठीक है। इसके बाद हाउस होल्ड वाले कुछ सर्विसेस भी यूज करते हैं।
सर्विसेज कौन से यूज करते हैं स्टूडेंट्स? आप घर से निकलकर घूमने फिरने जाते हो तो ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करते हो ना, तो हाउस होल्ड वाले सर्विसेस भी यूज करते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखा गया इंपॉर्टेंट है सर्विसेस। तो सर्विसेस कौन सी? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट आप मूवर्स एंड पैकर्स देखते हैं, रेलवेज देखते हैं, एयरवेज देखते हैं, आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेस। और आप मेडिकल सर्विसेज भी लेते हैं, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपने देखा कि हाउस होल्ड वालों का जितना खर्चा है वो सब ढूंढ निकालिए कि कहां कहां खर्चा करते हैं हाउस होल्ड वाले, घरेलू लोग। तो आपने देखा हाउस होल्ड वाले लोग तीन मुद्दों पर खर्चा करते हैं, आपको ऊपर लिस्ट बनाकर दिखाया गया है। पहला क्या? नॉन ड्यूरेबल मतलब फूड एंड क्लोथिंग पर। सेकेंड ड्यूरेबल मतलब कार, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, और सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल सर्विसेज। तो इन सर्विसेज पर आप एक्सपेंडिचर करते हो। तो हाउस होल्ड वाले कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन सारी चीजों पर, उन सबको लेकर प्लस किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनली ये नेशनल इनकम में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट चलिए कंपनी में, फर्म में। तो आप कंपनी फर्म में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो हमें क्या पता है आय का फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको हेडिंग का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए स्टूडेंट। जरा भी आप आगे पीछे करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने बरोबर से याद नहीं किया, मार्क्स कट कर देगा। तो हेडिंग कम से कम आपका परफेक्ट होना चाहिए। आई मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपके सामने हेडिंग मैंने रखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो फर्म लोग अपने लिए खुद के कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे प्राइवेट कहा जाएगा। और ग्रॉस क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लास्ट में लेस होगा तब नेट बनेगा, तो डेप्रिसिएशन के पहले जो है वो क्या है? ग्रॉस है। और डोमेस्टिक मतलब अपने देश के सीमा रेखा में, अपने देश के बाउंड्री के अंतर्गत रहते हुए जो एक्सपेंडिचर किया गया। तो आय का फुल फॉर्म हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक से इसकी भी वर्डिंग देखते हैं। टेक्स्ट बुक से इसकी वर्डिंग देखा जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेस ऑन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन किया गया। रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स। अभी देखिए बेटा, आपको पता है कि कंपनीज में, फर्म्स में हमेशा रिप्लेसमेंट करते रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनें आती है, तो पुराना आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जब तक हटाओगे नहीं तब तक न्यू लेकर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो इनको हटाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। ओल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हटाया जाएगा, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है? रिप्लेसमेंट। ठीक है। और रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब क्या होता है? नया लेना। ठीक है, कुछ नए मशीन, कुछ नए फर्म। तो एक होता है कि पहले से था, सिर्फ उसको हटाकर उसकी जगह पर नया वर्जन लाया गया। और रिन्यूअल मतलब क्या? बिल्कुल नया। एंड इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? नए नए इनोवेशंस किया जाए, नए नए तरीके ढूंढे जाए, नए नए मशीनें लगाया जाए, उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। तो नया रिस्क लिया जाए, नया रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उस पर। ठीक है, तो आपने तीन वर्ड देखा यहां पर, रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो फर्म्स जो है रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट का एग्जांपल देता हूं मैं स्टूडेंट्स, आप फोटो देखकर समझ जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है रोबोट मूवी और 2.0, उसमें रिप्लेसमेंट किया गया ना, उसके जो डिजाइन है उसको चेंज किया गया, एक आउटडेटेड माना जाएगा और एक मॉडर्न माना जाएगा। तो क्या किया गया? रिप्लेसमेंट किया गया, पुराने को हटाकर नया लिया गया। और कंपनीज क्या करती है? रिन्यूअल। रिन्यूअल्स मतलब क्या? बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना। तो जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डॉन मूवी पहले अमिताभ बच्चन की थी, तो बिल्कुल नई बनाई गई, रिन्यू की गई, और उसमें शाहरुख खान को लिया गया। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाएगा? कि रिन्यू कर रहा है फर्म। ठीक है। और लास्ट में आपको ने क्या देखा? इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट होता है और रिस्की भी होता है, ठीक है। हैवी इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए एवेंजर्स मूवी एंड गेम जो है उसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया, तो ऐसे ही फर्म भी क्या करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना मार्केट में बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए वो रिस्क लेते रहते हैं। तो यहां पर जो भी है आपका आय का फुल फॉर्म आपको बताया गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब रिप्लेसमेंट पर खर्चा करना, रिवेन्यू पर खर्चा करना, इन्वेस्टमेंट पर खर्चा करना। यहां पर समझाते टाइम स्टूडेंट बार बार आपको एक्सपेंडिचर कहना है, क्योंकि ये कौन सा मेथड चालू है, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आपको हर बार मुंह से क्या करना है, एक्सपेंडिचर। तो बोल के बताइए, रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर, रिन्यूअल पर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो है फर्म द्वारा, कंपनी द्वारा किए गए हैं, इन्हें भी नेशनल इनकम में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो घरेलू मतलब हाउस होल्ड वालों का हो गया, फर्म वाले का हो गया। अब तीसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास कौन खर्च करता है बताइए, गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो खर्च करती है। तो यहां पर आपको गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट जो है जी का जो है फुल फॉर्म आप अगर देखेंगे तो जी जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजों पर खर्च करता है। तो जी का फुल फॉर्म होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन वाले चीजों पर भी खर्च करती है और इन्वेस्टमेंट वालों पर भी। तो आपको बार बार बताया गया कि गवर्नमेंट पब्लिक को, जनता को राइस एंड व्हीट फ्री बांटती है, तो पहले परचेस तो करती होगी ना, तो कंजम्पशन वाला चीज परचेस करती है और इन्वेस्टमेंट मतलब बड़े बड़े प्लांट मशीन लगाती है वाटर सप्लाई करने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों पर एक्सपेंडिचर करती है। तो इसे हाईलाइट किया जाए, जी मीन्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट्स इसके भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन वाले गुड्स पर, फाइनल कंजम्पशन वाले गुड्स पर। तो देखते हैं फाइनल कंजम्पशन वाले गुड्स पर कहां कहां खर्च करती है गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट खर्च करती है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक लॉ और ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस और आर्मी पे खर्च करती है, पुलिस और आर्मी पर। इसके बाद में डिफेंस, युद्ध के लिए मिसाइल्स पर खर्च करती है। एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स पर खर्च करती है। हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स पर खर्च करती है। तो ये स्टूडेंट्स आपका कंजम्पशन वाला क्या है, सर्विसेस है, कंजम्पशन वाला सर्विसेस है, जो आपको डायरेक्ट सर्विसेस कंज्यूमर को मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ। तो इसे हम साइड में लेते हैं स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट का जो पहला एक्सपेंडिचर है वो आपके सामने है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहां पर लिखा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस। बताइए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का एग्जाम्पल आपको बताया गया लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, जिसको आप पिक्चोरियल फोटो से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फोटो में आपको क्या दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, आर्मी है, डिफेंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर सोल्जर्स हैं, एजुकेशन के लिए टीचर्स हैं एंड हेल्थ के लिए डॉक्टर्स हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट परचेस करती है, इस पर खर्च करती है, पब्लिक से पैसे नहीं लेती है। पुलिस के लिए, डॉक्टर के लिए, टीचर्स के लिए, सरकारी जितने भी काम है उससे पब्लिक से पैसे नहीं लेती है, खुद एक्सपेंडिचर करती है। तो ये गवर्नमेंट का क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकेंड है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अंडरलाइन किया जाए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज पर। इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज मतलब पता है स्टूडेंट्स आपको, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज पर, लाइक कंस्ट्रक्शन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में पहला क्या बताया, रोड। हमेशा रोड बनते रहते हैं तो पब्लिक की सुविधा के लिए जिस पर खर्च किया जाए उसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज कहते हैं। रोड्स है, रेलवेज है,
ब्रिज है, डैम है, कैनल है, विच आर यूज बाय द बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी। तो किसी भी देश में जो फर्म्स हैं, बिजनेसमैन है, वो ये सर्विसेज को यूज करता है, इसका फायदा उठाता है, रोड का फायदा, रेलवे का फायदा, ब्रिज डैम कैनल का फायदा सबको होता है, वो फार्मर हो, किसान हो या फिर बिजनेसमैन हो, रोड और रेलवेज, एयरवेज ये सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो इसे भी हम वापस से दिमाग में बिठाते हैं स्टूडेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस का जो पहला एग्जाम्पल बताया मैंने वो क्या बताया, रोड। तो गवर्नमेंट रोड बनाकर देती है आपको, रोड दिख रहा है आपको। सेकेंड रेलवेज, रेलवेज रेल पर खर्चा करना, प्लेटफॉर्म पर खर्चा करना। नेक्स्ट ब्रिज, ब्रिज बना रही है गवर्नमेंट, ब्रिज इतना हैवी हैवी बनाया जाता है, उस पर खर्चा किया जाता है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ब्रिज पर। डैम्स, गवर्नमेंट ने देखिए डैम बनाया हुआ है, डैम पर खर्चा किया हुआ है। कैनल्स, कैनल्स मतलब जहां से पानी को क्या है, एक धारा बनाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाए, नहर, तो कैनल्स भी बनाया जाता है। तो ये इन पर बहुत ही हैवी एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, खर्च करती है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर हम क्या कहलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज पर जो एक्सपेंडिचर किया गया है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कई चीजों पर करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करती है, और सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करती है। इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को आप प्लस करके नेशनल इनकम में ज्वाइंट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट भी आपने ज्वाइंट कर दिया। पिछले पॉइंट आप भूलिए मत स्टूडेंट्स, फर्स्ट किसका देखा गया था, हाउस होल्ड का, सेकेंड किसका देखा गया, फर्म का, और थर्ड किसका देखा गया, गवर्नमेंट का। अब थोड़ी सी चीज और, तो थोड़ी चीज और क्या, थोड़ा देश के बाहर कदम रखा जाए। देश के बाहर अगर कदम रखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, दुनिया। तो ये आपको वर्ल्ड दिख रहा है, वर्ल्ड में आप क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो पॉइंट है वो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर नेट एक्सपोर्ट। इजी वर्ड है आपके लिए, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या बताया गया, एक्स माइनस एम। तो फोर्थ पॉइंट है आपका एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। आपको मैंने पहले ही बताया गया, आपको मैंने पहले ही बताया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, और अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पर नेगेटिव आ रहा है तो वो नेशनल इनकम में लेस होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा एग्जांपल यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। फिगर देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने देश से बाहर देश में सामान सप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, और बाहर देश से अपने देश में सामान मंगवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट। इन दोनों के ही डिफरेंस को चेक करके अगर पॉजिटिव हुआ तो नेशनल इनकम में ऐड होगा, और निगेटिव हुआ तो नेशनल इनकम में लेस होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे क्या कहा गया, नेट एक्सपोर्ट, ये आपका चौथा पॉइंट था। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट आपको समझाने के लिए ये फोटो दिखाया गया। हमारे देश में बहुत से फॉरेनर्स आते हैं टूरिज्म के लिए, तो जो बाहर से लोग आते हैं हमारे देश पर खर्चा करते हैं, हमारे देश के कमोडिटीज परचेस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, तो वो खर्च करते हैं, तो उनका खर्चा है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो रिसिप्ट है। तो हमारे लिए क्या है, रिसिप्ट। और ऐसे ही हमारे यहाँ के लोग क्या है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जाते हैं, वहां पर खर्च करते हैं, तो हमारे देश का वो क्या है, पेमेंट है। तो बाहर वाले लोग आकर खर्च करते हैं तो हमारा रिसिप्ट है, हम लोग बाहर जाकर खर्च करते हैं तो हमारे लिए पेमेंट है, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को कहा गया है नेट रिसिप्ट। नेट रिसिप्ट को हाईलाइट किया जाए बेटा, नेट रिसिप्ट को हाईलाइट किया गया, मतलब आर माइनस पी। आर माइनस पी का मतलब क्या है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो आप वर्डिंग जरा पढ़कर देखिए स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज मींस रिसिप्ट। तो अगर फॉरेनर्स आकर हमारे घरेलू चीजों पर और सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं तो हमारे लिए रिसिप्ट है। डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं तो हमारे लिए रिसिप्ट है। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इज पेमेंट।
तो हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे रेसिडेंट्स मतलब हमारे जो देश के नागरिक हैं, वो बाहर देश जाकर जो खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो पेमेंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट से अगर पॉजिटिव आया, प्लस आया, तो नेशनल इनकम हमारी ऐड होगी, नेशनल इनकम में हमारा ऐड होगा ये। और अगर माइनस में आया मतलब निगेटिव आया, तो नेशनल इनकम में ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब डिडक्ट होगा। करेक्ट है? तो आप ध्यान रखिए बेटा, देश अगर इंटर एक्सपेंसेस करता है, मतलब भारत से अमेरिका में खर्चा किया जाए या अमेरिका से भारत में खर्चा किया जाए, तो उसे हम कहते हैं रिसिप्ट माइनस पेमेंट। जैसे बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं और हमारे देश से लोग बाहर देश में जाते हैं। तो ये आपको पिक्चर के हिसाब से भी दिखा दिया गया है स्टूडेंट्स। इन दोनों के डिफरेंस को हम नेट रिसिप्ट कहेंगे। ओके, इसे आप याद रखिए। तो इस तरह से हमने पांचों पॉइंट कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, हमने पांच के पांचों पॉइंट कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पांच पॉइंट हमने क्या देखा। पांच पॉइंट हमने देखा स्टूडेंट्स, ध्यान रखने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, कि एक्सपेंडिचर मेथड में जो है फॉर्मूला, वो जीएनपी, नेशनल इनकम को क्या कहा जाएगा, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फॉर्मूला बताया गया, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, जहां पर सी का मतलब होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम मतलब होगा नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और आर माइनस पी मतलब नेट रिसिप्ट्स मतलब रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग और फॉर्मूला देख लिया। अब इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है स्टूडेंट्स। प्रिकॉशंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रिकॉशंस तो पुराने ही हैं, पहले के जो मेथड्स हमने देखा था उन्हीं के हैं। तो स्टूडेंट्स कोई नया प्रिकॉशन नहीं है, पुराने वाले ही प्रिकॉशंस इन लोगों ने रिपीट किया है। तो प्रिकॉशंस हम बड़े ही स्पीड में खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रिकॉशंस जो है बस पुराने हैं, तो उन्हें सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है, ब्रशअप करना है, आपको पूरा पहले से ही पता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में बहुत से डेंजर्स, बहुत से खतरे होते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस रखना बहुत ही जरूरी है। प्रिकॉशंस किन चीजों से रखना है वो हमें देखना है, तो चलिए देखते हैं प्रिकॉशंस। फर्स्ट प्रिकॉशन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड आर एज फॉलोज। पहला स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो स्टूडेंट डबल काउंटिंग न हो, इस पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, मतलब वो नेशनल इनकम में नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को इंटरमीडिएट मैंने बताया था लेकिन नहीं याद होगा, तो मैं रिवाइज कराता हूं। आप देखिए बेटा, शुगर कैन से आप जूस निकालते हैं, शुगर कैन से जूस निकालते हैं, जो लोग जूस पी गए उनके लिए वही फाइनल गुड्स है, लेकिन जो लोग शुगर कैन से जूस निकालकर नहीं पिए, उसे आगे प्रोसेस करके शुगर में कन्वर्ट किया, तब तो वो फाइनल गुड्स शुगर हो गया, शुगर कैन का जूस नहीं हुआ। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कौन फाइनल गुड्स है और कौन नहीं। शुगर कैन का जूस अगर आपने डायरेक्ट पी लिया तो फाइनल हुआ, लेकिन अगर नहीं पिया उसका शुगर बनाया तो फिर इंटरमीडिएट हो गया जूस जो है, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं ध्यान से देखना जरूरी है, डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमें इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लेना है। तो ये डेंजर वाली बात है ना बेटा। अब जूस क्या पता सामने वाला पी जाएगा या उसको शुगर बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर सावधानी से चेक करना जरूरी है, अगर वो जूस पी गया तो वो फाइनल है, और अगर शुगर बनाया तो फिर शुगर फाइनल है। तो जो भी फाइनल होगा उसी को लिया जाएगा और नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए बेटा, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, ओनली फाइनल गुड्स को लेना है। ये पहले भी आपको डिटेल में बताया जा चुका है। सेकेंड देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो आपको बताया गया था लोग बाइक परचेस करते हैं, फर्स्ट टाइम बाइक परचेस करते हैं, लेकिन जब पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो सेकेंड हैंड में बेच देते हैं। तो आपके देश में दूसरा बाइक नहीं बन गया, बाइक एक ही है, आपने सिर्फ उसको एक बार दोबारा बेचा है, तो सेकेंड हैंड सेल करने से आपके देश में कोई नया गुड या प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए सेकेंड हैंड सेल को भी इग्नोर किया जाएगा, सेकेंड हैंड सेल को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया था, थर्ड पॉइंट,
देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स आपको याद है, ऐसे पेमेंट्स जो बिना मेहनत किए, बिना गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किए हमें जो पैसे मिल जाते हैं उसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। अब बताइए स्टूडेंट, बिना मेहनत कैसे पैसे मिलते हैं? बिना गुड्स एंड सर्विस बनाए, प्रोड्यूस किए, कैसे पैसे मिलते हैं? तो जैसे स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल जाता है बिना मेहनत। ओल्ड एज पेंशन, आपकी जॉब छूट गई है, आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है बिना मेहनत। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जब तक आप बेरोजगार हो सरकार के यहां से क्या है, आपका लाइवहुड, जीवन चलाने के लिए आपको थोड़े से पैसे मिलते रहेंगे, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी में भी आप क्या है, पैसे प्राप्त कर ले रहे हो, बिना काम किए पैसे प्राप्त कर ले रहे हो। तो बिना काम किए अगर स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या लॉटरी आपको मिली तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? बिना गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किए आपको ये पैसे मिल रहे हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स भी जो है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते, इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं स्टूडेंट, 3 पॉइंट हो गए प्रिकॉशन के। हमारे पास चौथा पॉइंट है प्रिकॉशन के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब हमेशा क्या एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में, तीसरे से चौथे हाथ में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो ये भी सेकेंड हैंड सेल का ही एग्जाम्पल है। तो रीपर्चेज या रीसेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, क्या कहा गया, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को भी हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, मतलब नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये भी नेशनल इनकम में ज्वाइंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सच ट्रांजेक्शन डू नॉट एड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि शेयर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में बेचा गया तो देश में इसकी वजह से कोई नया गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए रीसेल या रीपर्चेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिफ्थ पॉइंट देखा जाए स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको बताया था मैंने, कोई भी चाहता है क्या कि मेरे ऊपर टैक्स चार्ज हो? नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, ये नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, ये नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। ठीक है, वर्ड क्या दिया गया आपको, डिडक्टेड, मतलब नेशनल इनकम से दूर रखा जाएगा, ये नेशनल इनकम में ज्वाइंट नहीं किया जाएगा, इसे लेस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, सिक्स पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, मतलब रॉ मटेरियल्स को नहीं लेना है, लेना किसको है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को नेशनल इनकम में ऐड करना है। तो अंडरलाइन किया जाए, किसे लेंगे बेटा, फाइनल, फाइनल वर्ड इंपॉर्टेंट यहां पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाएगा, लिया जाएगा मतलब क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए आपको एक्सप्लेन किया गया। लास्ट पॉइंट है बेटा आपके पास, सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट देखा जाए, सेवेंथ पॉइंट है हमारे पास, ध्यान रखना है आपको, सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, सब्सिडीज टू बी इंक्लूडेड। तो आप जो भी सब्सिडी दे रहे हैं गरीबों को, बेरोजगारों को, जो भी आप सब्सिडीज दे रहे हैं वो क्या है, इंक्लूड होगा देश के नेशनल इनकम में, उसे इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सब्सिडीज सब लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि हमें सस्ते में गैस मिल जाए, अनाज मिल जाए, फ्री में कपड़े मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, तो सब्सिडीज सब लोग चाहते हैं, तो चाहते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए, सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड। टैक्स कोई नहीं चाहता, इसलिए टैक्स क्या होगा, डिडक्टेड, मतलब लेस होगा, और सब्सिडी सब लोग चाहते हैं इसलिए वो नेशनल इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, चलिए लास्ट, अब हम अपने देश के बारे में देख लेते हैं कि हमारा देश इन तीन मेथड में से कौन सा मेथड यूज करता है। तीन मेथड का नाम तो आपको याद ही है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारे देश में कौन सा मेथड ज्यादा चलता है, बाहर देश में कौन सा मेथड चलता है, उस पर जरा सा नजर डालते हैं।
आउट ऑफ दीज मैथड्स द आउटपुट मैथड एंड इनकम मैथड आर एक्सटेंसिवली यूज, मतलब ज्यादा करके लोग आउटपुट मैथड और इनकम मैथड ही यूज करते हैं। मतलब जो आज हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा ये मार्केट में ज्यादा नहीं चलता, इसका यूज क्या है कम है, देश जो है इस मेथड का यूज कम करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ज्यादा चलता है, आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड। इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके, अमेरिका और इंग्लैंड, यूएसए मतलब अमेरिका, यूके मतलब इंग्लैंड, तो अमेरिका और इंग्लैंड में द इनकम मेथड इज पॉपुलर, तो वहां पर इनकम मेथड पॉपुलर है। तो वहां पर सब कुछ क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिकली है, कोई हाथ से पैसे लेता देता नहीं है, सब क्या है इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट करते हैं। तो वहां पर इनकम उनका कितना हुआ आसानी से पता चल जाता है, इसलिए वो लोग इनकम मेथड यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखिए एडवांस कंट्रीज में इनकम मेथड यूज होता है। एक्सपेंडिचर मेथड इज रेयरली यूज बाय एनी कंट्री बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, तो एक्सपेंडिचर मेथड में बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन हैं, इसलिए कोई भी कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं करता है। अब इंडिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन इंडिया सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ का काम है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, adopts a combination of both, तो इंडिया में दोनों चलाना पड़ता है क्योंकि यहां सब लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, कोई इनकम बराबर बताता ही नहीं है। ठीक है, टैक्स हमको कम लगे, टैक्स की चोरी करने के लिए बहुत से जगहों पर ऑल्टर किया जाता है अकाउंट्स को, तो यहां पर गवर्नमेंट को मजबूरी में दोनों मैथड चलाना पड़ता है, आउटपुट मैथड एंड इनकम मैथड, आउटपुट मैथड एंड इनकम मैथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो आपने देखा एडवांस कंट्री में सिर्फ इनकम मैथड, इंडिया में आउटपुट एंड इनकम मेथड बोथ, और एक्सपेंडिचर मेथड कोई भी कंट्री जल्दी यूज नहीं करता। करेक्ट है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने तीनों मेथड खत्म किया। आज का लेक्चर आपने बहुत ही अच्छी तरह से कॉपरेट किया, इसलिए आप लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू। अब आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं।